इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले मुझे लगा था कि इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, लेकिन अगर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग नहीं होती तो जब शमीर और शिबरा की शादी हुई थी इस ड्रामे ने वहीं पर खत्म हो जाना था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे की सैड एंडिंग होगी। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि शमीर या शिबरा दोनों में से एक को मार दिया जाएगा। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे शमीर अपने बाप से कहता है कि जिसने भी शिबरा पर हमला करवाया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शमीर का बाप आगे से कहता है कि यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर शमीर हॉस्पिटल जाएगा और शिबरा से कहेगा कि तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ था, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? फिर शिबरा बताएगी कि उस पर पहले भी हमला हुआ था, ये सब महरीन और उसके बाप ने करवाया। अगर ये सब कुछ शिबरा ने सच सच बता दिया तो इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, अगर ना बताया तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस ड्रामे की सैड एंडिंग हो। बाकी आप ये ड्रामा देख रहे हैं, आपको ये ड्रामा किस तरह का लग रहा है? क्या ये ड्रामा पहले से थोड़ा बोरिंग हो चुका है? बाकी आपको क्या लगता है, आपके ख्याल से इस ड्रामे में आगे क्या होगा? इस ड्रामे की एंडिंग किस तरह की होगी? और आपको इस ड्रामे में सबसे ज्यादा करेक्टर किसका पसंद आ रहा है, शमीर का या फिर शिबरा का या फिर किसी और का? और आप क्या चाहते हैं, इस ड्रामे की सैड एंडिंग होनी चाहिए या फिर हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? और जो भी आपका फीडबैक है ड्रामे के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। शुक्रिया।